हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ आई होप आप सब बहुत अच्छे से हो गया आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी के टाइम में पेट में दर्द जलन पेट बहुत ज़्यादा कड़क होना क्या रीज़न होते हैं और किन किन रीजनों पे हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होती नॉर्मल होता है और कौन सा वो पेन है अगर हमें ऐसा पेन उठता है गर्भ अवस्था के दौरान तो सीधा हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए पूरी बातें आपको इस वीडियो में बारीकी से मिलेंगी चैनल पर नहीं

होता है ना बेबी धीरे धीरे पेट में ग्रो कर रहा होता है जिससे हमें वॉमिटिंग कब्ज कई बार एसिडिटी की प्रॉब्लम से भी पेट में दर्द होता है पेट ठीक से साफ़ नहीं होता तब भी दर्द होता है तो ये दर्द एक नॉर्मल है इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है ना ही आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है आप हल्का गुनगुना पानी का सेवन कर सकते हो अजवाइन खा सकते हो जिससे कि आपका पेट साफ़ हो सके हो सके तो गुनगुना पानी का ज़्यादा सेवन करो ताकि जब मॉर्निंग में आप उठो तो आपका पेट साफ हो और पूरा दिन एनर्जी से भरपूर हो क्योंकि जिस दिन पेट साफ़ नहीं होता उस दिन पेट में दर्द की प्रॉब्लम गर्भवती महिला को रहती है क्योंकि उस टाइम पे बेबी धीरे धीरे ग्रो करता है और ये वॉमटिंग नोजिया ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी भूख कम लगना भूख कम लगेगी आप कम खाओगे कम खाओगे तो कब्ज की प्रॉब्लम होगी ही होगी ठीक है ना तो फर्स्ट टाइम में अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है तो ये एक नॉर्मल है दूसरा टाइम जो स्टार्ट होता है चौथा से लेके सातवां महीना पांचवा छठा सातवा एक ऐसा महीना है जिसमें आपका धीरे धीरे पेट बाहर निकलता है बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है उस टाइम पे आपको पेट में खिंचाव देखने को मिलते हैं पेट और मसल स्किन में इतने खिंचाव आ जाता है क्योंकि क्या होता है धीरे धीरे पेट बाहर आएगा जिससे कि मसल्स में खिंचाव आने के कारण पेट में अकड़ान महसूस होगा पेट में हल्का हल्का पेन हो सकता है पेन ये दो तरह के होता है देखिए कई बार पेट के ऊपरी हिस्से में पेन होता है कई बार पेट के निचले हिस्से में पेन होता है वो क्यों होता है देखिए बच्चा ना धीरे धीरे पेट में बड़ा होता है उसकी हाइट बड़ी होती है उसका वेट गेन होता है जिससे हमारे पेट का साइज बड़ा होता है और यूट्रस का साइज बड़ा होता है जिससे कि हमारे पेट के निचले हिस्से में पेन महसूस हो सकता है तो वो एक नॉर्मल है देखिए थोड़ा सा पेन होता है और अपने आप ठीक हो जाता है तो ये एक नॉर्मल है इसमें आपको कोई भी घबराने और टेंशन की बात नहीं है अगर आपको कोई भी असहनीय पेन हो रहा है कि बहुत ज्यादा पेन धीरे धीरे होता है फिर एकदम से तेज हो जाता है और कंटिन्यूअसली तेज होता जा रहा है तो अब आपको इस टाइम पे घबराने की बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इससे अगर ऐसा कुछ सिम्टम देखते हो कि पेन एकदम से बढ़ रहा है कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है और धीरे धीरे टाइम पीरियड पेन का बढ़ता जा रहा है तब कई बार बच्चा टाइम से पहले हो जाता है ये सिम्टम तब देखे जाते हैं तो अगर आपको सातवें महीने ऐसा सिम्टम मिलता है सेकेंड टाइमेस्टर में तब आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं पेन और किस तरीके का होता है देखिए क्या होता है जब वेट गेन होता है ना तो पैरों में दर्द आपको महसूस हो सकता है कमर में दर्द महसूस हो सकता है क्योंकि धीरे धीरे बॉडी का जो वेट गेन होता है ना हमारे उसका भार पै, पैरों पे आता है बैक पे आता है जिससे कि बैक में पेन कमर में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहना अकड़ान रहने थोड़ा सा काम कर लेते हो झुक तो कमर में ऐसा लगता है कि जैसे नस चढ़ गई हो कमर में बहुत ज़्यादा पेन होना तो वो भी सिम्टम एक नॉर्मल है उसमें भी आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है देखिए कब्ज की प्रॉब्लम क्यों होती है पहले जान लेते हैं पानी की मात्रा कम पीना पानी अपने पूरे दिन के जो सर्कल होता है ना उसमें 10 से 12 ग्लास पानी का सेवन करना चाहिए अगर आप नहीं पीते हो तो कब्ज की प्रॉब्लम आपको चाहे फर्स्ट टाइमेस्टर हो चाहे सेकेंड हो चाहे थर्ड हो वो बनी रहेगी कब्ज कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर कब्ज होती है तो ये बेबी के लिए भी अनहेल्दी है और आपके लिए भी अनहेल्दी है पेट साफ होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके लिए आपको 10 से 12 गिलास पानी का सेवन करना चाहिए चाहे सर्दी हो या गर्मी इससे पेट साफ होगा साथ ही साथ आपके अंदर ना हाइड्रेट आपकी जो बॉडी है ना वो हाइड्रेट रहेगी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन हुई तो आप देखिए खुद को वीक महसूस करोगे पेट साफ नहीं होगा वीक मह, अगर वीक महसूस करते हो तो खाना खाने का मन नहीं करेगा खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं आएगी और बेबी का वेट गेन कम होगा तो अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए पानी की मात्रा भरपूर रखें क्योंकि पानी अगर ठीक से पियोगे ना आप एनर्जी से भरपूर बढ़ जाता है ये लास्ट टेमेस्टे में अगर आपको देखने को मिलता है जैसे नौवें महीने में आपको देखने को मिलता है कि पहले पेन स्टार्ट होता है तेरह से चौदह सेकंड के लिए फिर बढ़ता है फिर बढ़ता ही जाता है और आपको ये पेन बहुत ज्यादा टाइम से हो रहा है और उस पेन के साथ साथ आपको पानी आ रहा है तब ये सिम्टम डेडिकेट करते हैं कि आपकी डिलीवरी होने वाली है इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है सीधा डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि देखिए जब लास्ट में से स्टार्ट हो जाता है ना तो आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है आपकी जो ई डी दी होती है ना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उससे कई बार पहले भी हो जाता है बेबी कई बार उसके बाद भी होता है तो आपने अपने सिम्टम नोट करने हैं कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है कहीं पानी तो ब्रेक नहीं हो गया है क्योंकि जो पानी की थैली होती है अगर वो पूरी ब्रेक हो चुकी है पानी आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जा रहा है आपके प्राइवेट पार्ट से तो ये डिलीवरी के सिम्टम होते हैं इस टाइम पे आपको बिल्कुल वेट नहीं करना क्योंकि बच्चा पानी की थैली में है अगर वो पानी की कमी हो जाएगी तो बच्चा अनहेल्दी रहेगा और उस टाइम पर सी सेक्शन करना पड़ सकता है पानी पूरा अगर ख़त्म हो जाता है तो, तो अगर ऐसा कुछ सिम्टम देख रहे हो कि पेन बहुत ज़्यादा आ रहा है और पानी भी बहुत ज़्यादा जा रहा है प्राइवेट पार्ट से तो अब आपको डॉक्टर के पास जल्दी से जाना चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं पेशाब करते हुए जलन होना पेशाब में ब्लीडिंग आना पेशाब में बहुत ज़्यादा स्मेल आना अगर ऐसा कुछ आपको महसूस होता है तब भी कई बार पेट में दर्द हो सकता है बोला जाता है अगर पेशाब में आपको एलर्जी है कोई भी इन्फेक्शन हो गई है तो पेट आपका साफ नहीं होता पेट की ही प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम होती है जिसे पेशाब में करते हुए बहुत ज़्यादा जलन और आपको ऐसा खुद महसूस हो रहा है कि पेशाबा में खुल कर नहीं आ रहा है तो कई बार अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है तब भी ऐसा आपको सिम्टम देखा जाता है अगर आपको स्टोन नहीं है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, नहीं है तब आपके पेशाब में एलर्जी है इन्फेक्शन है तब आपको ठंडी चीज़ों का सेवन करना जैसे आप कच्ची लस्सी पी सकते हो जैसे आप छाछ पी सकते हो जिससे कि ये प्रॉब्लम आपकी जल्दी से सॉर्ट आउट हो सके तो सारी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि पेट दर्द हुआ तो सीधा डॉक्टर के पास जाओ आपने पहले नोट करना है ये सिम्टम है कौन सा उसके बाद अपने डॉक्टर के पास आपने जाना है अब कई बार क्या होता है महिलाएं एक्साइटमेंट में कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेती हैं बहुत ज़्यादा घर का काम कर लेती हैं पौड़ियाँ बहुत ज़्यादा चढ़ लेती हैं जिससे कई बार ना उसका जो बच्चे का बेबी का वेट है ना वो यूट्रस पे आता है और उससे आपको पेन जैसे मसल्स पेन होती है और आप सोचते हैं मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ये दर्द आ सही नहीं है तो शायद अब डिलीवरी होने वाली है तो जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता है ना अपने आपको बहुत ज़्यादा आपने थकाना नहीं है एक्सरसाइज लिमिट से करनी है घर का काम लिमिट से करना है एकदम से भाग भाग के बहुत ज़्यादा काम नहीं करना इससे आपको मसल्स में पेन हो सकती है और कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे पेट के निचले हिस्से में पेन पेन हो हो रहा है, हो रहा है है बहुत ज़्यादा और डिलीवरी होने वाली है मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो तब भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि पेट में दर्द महसूस होता है तो ये एक नॉर्मल है आपने जब बहुत ज्यादा आपको देखिए ब्लीडिंग हो या वाटर ब्रेक हो या पेन आपका रुक रुक के बहुत ज़्यादा टाइम से बढ़ रहा है और ये बिल्कुल भी पेन रुक नहीं रहा है फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए चाहे सेकंड में आपको ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं चाहे लास्ट टेमेस्टर में क्योंकि कई बच्चा टाइम से पहले हो जाता है तब ये आपको अपनी बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे पानी आपको कभी भी लगे कि पानी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है पानी बहुत ज्यादा आपका प्राइवेट पार्ट से आ रहा है या ब्लीडिंग आ रही है तब भी आपको वेट नहीं करनी है सीधा डॉक्टर के पास जाना है पानी भरपूर मात्रा में पीना है ये बात बिल्कुल भूलनी नहीं है चाहे सर्दी हो या गर्मी हो क्योंकि इससे आप एक्टिव रहोगे और आपको ना एनर्जी मिलती रहेगी बॉडी में एनर्जी से भरपूर आप रहोगे तो आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा तो आप समझे ना कि पेट में दर्द क्यों होता है रीज़न पेट साफ होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है ना इसके लिए आपने अच्छे से जूसी फ्रूट खाने हैं फाइबर वाला खाना खाना है ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट हो तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिलती रहेगी फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक पर तब तक लिए बी टेक किया बाय